It one says a closely wound solenoid 80 centimeter long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 centimeter. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. तो यहाँ पे हमें पहली बात लेंथ दी हुई है. लेंथ कितने मेजर की है? 80 सेंटीमीटर की. अब 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडिंग इट विद 100. ठीक है, 0.8 मीटर आ गए. अब यहाँ पे मैं निकालना चाहती हूँ एन. पहले तो बिग एन. बिग एन क्या होता है यार? लेयर्स को आप टर्न से मल्टीप्लाई करोगे. 5 × 400 कितना हो गया? 2000. ठीक है, अब दूसरी चीज आई कितना हो गया हमारा? 8 एम्पीयर. डी कितना है हमारा यहाँ पे? सॉरी, हाँ, डायमीटर. डायमीटर इज ना 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ. दूसरी चीज हमें निकालना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन. उसको हम क्या बोलते हैं? एन. एन इज नथिंग बट बिग एन ओवर एल. ठीक है, टोटल टर्न्स ओवर लेंथ. 2000 को डिवाइड कर दो 0.8 से, पॉइंट हटाओगे 10 ऊपर आ जाएगा. तो ये 20,000 ओवर 8 हो गया. एक तरीके से इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे, 20,000 ओवर 8. अब हमने किस में सब्सिट्यूट करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो म्यू नॉट एन. म्यू नॉट की जगह क्या है हमारा? 4π × 10⁻¹. एन कितना है हमारा यहाँ पे? 20,000 ओवर 8. आई कितना है हमारा यहाँ पे? 8. 8 से 8 कैंसिल. बचा क्या हमारे पास फाइनली? 4 और 20,000. 4 और 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 80,000. पाई से मल्टीप्लाई करना है, 10⁻¹. अब यहाँ पे हमारे चार जीरोस हैं. 4 − 7 कितना हो गया? इट इज नथिंग बट -3 टेस्ला.